नमस्कार आप सभी को, मैं हूं आपकी प्यारी लाली और स्वागत करती हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब के चैनल लाली की थाली में। आज मैं बनाऊंगी कैरेमल सेमिया खीर, तो आइए मेरे साथ बनाना शुरू करते हैं कैरेमल सेमियों की खीर। चाहिए सेवियाँ, काजू किशमिश, घी, इलायची का पाउडर, चीनी और दूध। अब हम एक कढ़ाही ले लेंगे, कढ़ाही में डाल देंगे देसी घी, हल्का सा घी मेल्ट हो जाएगा। फिर इसमें डालेंगे हम सेवियाँ और सेवियाँ डाल के घी में अच्छे से इसको भूंजिए, रोस्ट करिए और एक अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर होने तक, चेंज होने तक इसको भूंजते रहिए और लगातार चलाते रहिएगा, क्योंकि सेवियाँ बहुत जल्दी काली पड़ जाती हैं, जल जाती है। ये देखिए, अब धीरे धीरे इसमें कलर चेंज होगा और जैसे ही ये परफेक्ट कलर में आ जाए आप इसमें दूध डाल दीजिए। तो अब मैं थोड़ा सा और इसको घुमाऊंगी, चलाऊंगी। ये देखिए, अब ये एकदम सही समय है दूध डालने का। अच्छा सा एक गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है हमारी सेवइयों में। अब मैं इसमें डाल दूँगी दूध, गर्म दूध डालूँगी मैं इसमें। ये डाल दिया है मैंने दूध, और दूध और सेवइयाँ अच्छे से मिलाऊँगी लगातार चलाते हुए। चारों तरफ से सेवइयों को भी दूध में मिला दीजिए। ये देखिए, अच्छे से इसको घुमाइए चारों। अब हम एक दूसरा पैन रख लेंगे गैस पे, इसमें डालेंगे हल्का सा घी और जो भी हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं इनको हम थोड़ी देर के लिए भूंजेंगे। तो मैं डाल रही हूँ पहले किशमिश, किशमिश डाल के अच्छे से भूंजेंगे। बहुत देर तक नहीं भूंजना है, बस ये मेरी किशमिश भूंज गई, इसको मैंने साइड कर दिया। अब मैं अपने काजू थोड़ी देर के लिए फ्राई करूँगी, हल्के से गोल्डन ब्राउन करने हैं काजू। ये देखिए, काजू भी हमारे भूंज के तैयार हो गए। अब सेम पैन में मैं डालूंगी थोड़ी सी शक्कर, इस शक्कर को मुझे कैरमलाइज करना है, तो इसमें पानी की एक बूंद भी नहीं डालनी है। धीरे धीरे शक्कर को घुमाइए। ये देखिए, कैरमलाइज हो गई, पिघल गई है शक्कर और कलर चेंज हो गया है, मतलब ये कैरमलाइज हो गई है हमारी शुगर। बहुत ज़्यादा देर तक मत रखिएगा और ये इसको खीर में डाल दीजिए गरम गरम। सावधानी से डालिएगा और लगातार खीर को चलाइएगा ताकि अच्छे से जो चीनी है, कैरमलाइज शुगर है, वो खीर में अच्छे से मिल जाए। ये देखिए, खीर का कितना अच्छा रंग आया है, हल्का सा ब्राउन कलर की हो गई है खीर हमारी, देखने में बहुत ही सुंदर। अब हमारी देखिए कैरमलाइज्ड खीर बनके हो गई है तैयार। अब बारी है इसमें कार्डमम पाउडर डालने की, इलायची का पाउडर अच्छे से फ्लेवर के लिए, थोड़े से इसमें ड्राई फ्रूट्स जो मैंने रोस्ट करके रखे थे ताकि एक अच्छा सा फ्लेवर इस खीर को मिले। देखिए, बहुत ही स्वादिष्ट खीर। मेरी वीडियोस आपको पसंद आती है तो लाइक करिए, शेयर करिए, नीचे कमेंट करिए और मेरे इस यूट्यूब के चैनल लाली की थाली को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।